सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता, आपसे जानना चाहेंगे संजय चड्ढा साहब की जो सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को 2 साल तक के लिए और इनको देश भर के जितने भी कोर्ट हैं चलाने को मंजूरी दी है, किस रूप में देखते हैं, चाहे बच्चों या फिर महिलाओं के खिलाफ जो होने वाले अपराध हैं, पॉक्सो न्यायालय जो हैं स्थापित उनके भी दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण, कितना कारगर और किससे न्याय के दहलीज तक लोगों को पहुंचाने में, कटघरे पे न्याय दिलाने में कितना ये कारगर साबित होगा? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि ये जो यौन अपराध में शीघ्र न्याय के लिए 2019 में ये कैबिनेट ने इस स्पीडी जो जस्टिस को देने के लिए ये स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण किया था और उसकी जो अब म्याद है उसको और 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। हमने देखा इससे क्या हुआ कि अगर हम इस कोरोना काल के पीरियड को छोड़ दें, क्योंकि इस दौरान कोर्ट्स के वर्किंग पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, हम सब जानते हैं, उससे पहले इस शीघ्र न्याय से जो है डेटरेंट पैदा होता है, जो कि करने वाले लोग हैं वो 100 बार सोचेंगे अगर किसी भी तरीके से। तो इसलिए ये बहुत एक अहम बात है कि न्याय तो मिलना चाहिए लेकिन न्याय यथाशीघ्र मिलना चाहिए। हमने देखा पहले सालों में ये जो न्याय है बहुत देरी से मिलता था। हमने देखा हमारे आगे एग्जाम्पल है निर्भया केस, उसमें 7 बरस लग गए, लेकिन अब आप ये देखिए इस स्पेशल कोर्ट्स में, खास तौर से जो 1023 स्पेशल कोर्ट्स हैं जिसमें कि तकरीबन 389 रादर जो है वो हैं अपने पॉक्सो की कोर्टें, इन कोर्ट अगर यथाशीघ्र न्याय मिलता है तो एक जब निर्णय आता है तो उसका इफेक्ट कितने लोगों को पड़ता है, उसका पूरा दूरगामी प्रणाम होता है, जिससे कि लोगों के मन में एक डिटरेंट होता है कि ये चीज है, इसको करने से पहले भय मन में आता है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो न्याय व्यवस्था का होना और शीघ्र न्याय व्यवस्था का होना, और मुझे लगता है कैबिनेट ने इस चीज को पहचाना है, जाना है, शीघ्र न्याय की डिलीवरी को देना अपने आप में एक बहुत ही बहुत अच्छा कदम है मेरा मानना। निश्चित तौर से आप जैसा कह रहे हैं कि लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना और पीड़िता को न्याय दिलाना, वो और ज़्यादा सक्षम हो सकेगा। संजय चड्ढा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देश भर के तकरीबन 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट और 389 जो पॉक्सो कोर्ट हैं, इनके लिए तकरीबन परिव्यय की अगर बात करें, खर्च की बात करें, 1572 करोड़ के आसपास केंद्रीय अनुदान, उसमें 971 और शेष राज्यों का 600 करोड़ के आसपास। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, अफसोसनाक स्थिति है कि वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उनके आंकड़े अभी NCERB तक भी नहीं पहुँचे हैं। ऐसे राज्यों के स्थिति को देखते हुए और साथ ही साथ केंद्र सरकार के प्रयासों को देखते हुए किस रूप में देखते हैं कि ये प्रक्रिया और त्वरित हो सकेगी? देखिए, मैं एक बात से अपनी बात फिर से बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, जैसे कि जो कि हमारी यहाँ पीड़िता है, उसको न्याय मिलने में मिलना ही नहीं बल्कि त्वरित न्याय, शीघ्र न्याय, तुरंत न्याय की आवश्यकता बहुत अहम है। इस चीज को सरकारों ने जाना, पहली बात। दूसरी बात, आपकी बात, क्योंकि हमारा देश कोई छोटा देश नहीं है। अभी आदरणीय जो मेरे अन्य मित्र बैठे हुए हैं उन्होंने बताया कि 130 करोड़ का देश है हमारा, इतना बड़ा देश है, इसमें क्या 1023 न्यायालयों से भरपाई हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मानना यह है कि ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। 15,000 करोड़ रुपए में ये आप देखिए तकरीबन 1023 न्यायालय 2 साल चल पाएंगे, ये उनके एक्सपेंसिस की बात है, इसका प्रोविजन किया गया है, एक एक्सपेंसिव डील है ये भी। और लेकिन मैं ये यहाँ पे कहूंगा कि कम से कम शुरुआत है और बहुत अच्छी शुरुआत है और हम आगे बढ़ रहे हैं किसी भी प्रकार से। हमारे संसाधन भी सीमित है, हमको देखना पड़ेगा, इसीलिए ये आवश्यक है आज, इसीलिए ये आवश्यक है कि सख्त से सख्त न्याय जब आएगा तो उस न्याय को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, बताया जाएगा, देखो कि अगर आप ऐसा कोई दुष्कर्म में लिप्त पाए गए तो इतना कठोर जो है व्यवस्था है आपके लिए। अगर रेप करता और बच्चियों का रेप होता है तो पॉक्सो के अलावा 2013 में जो संशोधन हुए, 2018 में, 15 में जो संशोधन हुए, आज सजाए मौत का उसमें जो है इंतजाम किया गया है।
तो ऐसी बात नहीं है, ये एक बड़ा दूरगामी परिणाम देने वाला मेरे ख्याल से स्टेप है, और ये स्टेप आगे भी मुझे लगता है कंटिन्यू तो रहेगा ही रहेगा। और बिल्कुल आपने सही बात कही कि आने वाले समय में हमको कुछ न्यायालयों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं। जी निश्चित तौर से, क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से दिया गया न्याय जो है वो वास्तव में न्याय नहीं माना जाता, तीव्र न्यायिक प्रक्रिया हो और उससे ये बढ़त मिलेगी, निश्चित तौर से सरकार का प्रयास भी है। जी संजय चड्ढा जी, आपसे चलते चलते आखिरी सवाल, पहली बार स्थापना फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की 2000 में की गई, लंबा वक्त गुजर चुका है, फास्ट ट्रैक के बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है और पॉक्सो कोर्ट, इनकी स्थापना की गई, जजों की संख्या भी बढ़ाई गई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के एक सर्वेक्षण कहा गया था कि नितांत कमी है जजों की भी, लेकिन उस तरीके से लंबित मामलों के निपटारे में वो गति नहीं दिखी, क्यों? और साथ ही साथ ये जो निर्णय है किस रूप में देखते हैं कि एक्सपेडाइट कर सकेगा? मैं बिल्कुल आपने सही बात कही कि जजों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन उसी अनुपात में हमारी जो मुकदमों की संख्या कई गुना बढ़ी है। जी बिल्कुल बढ़ी है, पहली बात। दूसरी बात, और उसी तरीके से मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि क्राइम में भी बढ़ोतरी हुई है, क्राइम में कोई कमी नहीं हुई है, ये दो तीन पहलू भी बहुत अहम है। साथ ही साथ देखिए, जैसे कि अब इन इन कदमों को उठाने के बाद आप ये जरूर देखेंगे, मैं आपसे ये मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के अगर त्वरित न्यायालय बनेंगे तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं, बहुत छोटा सा, अजमेर के एक न्यायालय ने सिर्फ और सिर्फ 45 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रेप के केस में एक जजमेंट दिया, तो ये क्या कभी पहले संभव था? ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनमें ये चीजें संभव हैं, और डे टू डे हेयरिंग होती है, आप देखिए ना, हर प्रतिदिन कोई लंबी डेट नहीं पड़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छा कदम है। मैं एक बात और बहुत आज की इम्पोर्टेंट है वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि जैसा कि प्रोफेसर साहब भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, देखिए क्या होता है कि बच्चियों का खास तौर से जो है वो स्कूल नहीं जा पाती है सुरक्षा के कारण के साथ, सुरक्षा पहली बार आज जो है एक शिक्षा नीति में बच्चियों की सुरक्षा को जोड़ा गया है, और पहली बार हर राज्य में एक चाइल्ड राइट कमीशन बनाने की बात की गई है। ऐसी बात नहीं है, काफी सारे कदम है, और मेरे को लगता है ये भी एक लीगल इंटरप्रिटेशन है और ये एक लॉ की आवश्यकता थी कि जब अब अगर तो बच्चियों को अगर सुरक्षा मिलेगी, दिखेगी माता पिताओं को, तो वो स्कूल भेजेंगे उनको। जी, और वो निर्भय वातावरण ही स्थापित करना सरकार का प्रयास है, समाज का भी दायित्व है, हम सबका भी दायित्व है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर श्रीधर श्रीवास्तव जी और संजय चड्ढा जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए।